राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय अजमेर ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर शिक्षकों की समस्याओं पर ध्यान आकर्षित करने की मांग की है। संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष भंवर सिंह राठौड़ ने बताया कि शिक्षकों की समस्याओं पर अब तक सरकार द्वारा कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं किए जाने से शिक्षक असंतुष्ट है और स्वयं को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। राजस्थान में 2004 से पूर्व पद स्थापित शिक्षक और कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर पुरानी पेंशन का लाभ प्राप्त होता है, जबकि 2004 के पश्चात नियुक्त कार्मिकों को नई पेंशन स्कीम के अंतर्गत पेंशन दे है। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय द्वारा जो चरणबद्ध आंदोलन किया जा रहा है, उसमें आज संपूर्ण राजस्थान के अंदर जिला मुख्यालयों के ऊपर एक दिन का धरना प्रदर्शन और ज्ञापन मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी के नाम सौंपे जा रहे हैं। उसमें मुख्य रूप से पुरानी पेंशन योजना को बहाल करके इसकी घोषणा करें, साथ ही छठे वेतन आयोग की जो विसंगतियाँ थी उन विसंगतियों को दूर किया जाए, सातवें वेतन आयोग में जो अभी विसंगतियाँ हैं उनको भी दूर किया जाए, साथ ही जो सामंत कमेटी की रिपोर्ट जो आज तक सार्वजनिक नहीं की गई है, जिसके कारण कर्मचारियों में रोष है। संगठन मांग करता है कि सामंत कमेटी की सिफारिशों को तत्काल उजागर करें और उन सिफारिशों को लागू करें। साथ ही 1 जुलाई 2019 से 5% जो डीए है उसकी घोषणा राज्य सरकार द्वारा अभी तक नहीं की गई है। संपूर्ण राजस्थान में आज ये मांग भी की जा रही है कि 2 जुलाई 2019 से 5% जो महंगाई भत्ता भी बकाया चला आ रहा है उसकी भी शीघ्र घोषणा की जाए। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।